नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा वरदान न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सोहना मार्केट कमेटी की पूर्व वाइस चेयरमैन को दिन दहाड़े एक शोरूम में गोलियों से भून दिया गया। गोली लगने के बाद पूर्व वाइस चेयरमैन को पासी के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि गुरुग्राम में वीरवार दोपहर को दिन दहाड़े सोहना रिठौस गांव के रहने वाले सुखबीर सिंह उर्फ सुक्की को हथियारबंद बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। वारदात पुराने गुरुग्राम शहर के अग्रवाल धर्मशाला चौक के पास हुई। दरअसल सुखबीर रेमंड्स के शोरूम में कपड़ों की खरीदारी करने आया हुआ था। बताया जा रहा है कि एक बदमाश शोरूम के बाहर खड़ा था, जबकि चार बदमाश शोरूम के अंदर घुस गए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आप सीसीटीवी की फुटेज में देख सकते हैं कैसे बदमाश दुकान के अंदर घुस रहे हैं। गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली तो तुरंत पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी घटना की जानकारी मिलते ही पहुंच गए। घटना स्थल पर पहुंचे डीसीपी दीपक सहारण ने बताया कि कुछ लोग शोरूम में घुसे और सुखबीर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद सुखबीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उस वक्त पूर्व चेयरमैन सुखबीर को मृत घोषित नहीं किया गया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद मौत की पुष्टि हो गई। यहाँ पर किसी व्यक्ति के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, आगे जांच अभी की जा रही है। दरअसल सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुखबीर कपड़े खरीदने के लिए रेमंड्स के शोरूम पहुंचे थे। जब वह शोरूम के अंदर घुसे तो पहले से घात लगाकर बैठे पांच बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। चार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि इस घटना में चार गोलियां पूर्व चेयरमैन को लगी, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद मौके पर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान कुछ लोगों ने चेयरमैन को घायल अवस्था में पासी के स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि वाइस चेयरमैन ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। थोड़ी देर पहले की वारदात है, आपको संपूर्ण डिटेल दे दी जाएगी। ये रिठौस गांव का है सुखबीर, अभी हॉस्पिटल में है, वो तो डॉक्टर से पता चलने पर ही बताया जा सकता है। वारदात के वक्त मौके पर शोरूम मालिक व कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में ली है। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। आपको बता दें कि जिस स्थान पर वारदात हुई है वहां से चंद कदमों की दूरी पर जीएमडीए के सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जिनकी फुटेज भी पुलिस ले रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्त इलाके में हुई वारदात ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। मामले में अब पुलिस अधिकारियों ने साफ साफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से केस को सुलझाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में सरेआम पांच बदमाश गोलीकांड को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस आरोपियों के गिरेबान तक कब तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।